हेलो गाइस, मैसेल मुकुल चोपड़ा। आज मैं आपको बता रहा हूँ सीलिंग फैन की 14+14 की रिवेंडिंग के बारे में। सीलिंग फैन डाटा 14+14 के बारे में आज मैं आपको बता रहा हूँ सीलिंग फैन के। तो जी इसका सर, पहले आपका स्टेटर साइज है 1.7 सेंटीमीटर, यस सर। ठीक है। स्टेटस सर कैसे नापा सर? स्टेटर साइज मैं आपको बताता हूँ, ये इसका स्टेटर है। इसमें भी कोई कॉइल नहीं डाली हुई। इसमें 14+14 क्या होता है ये भी बता देता हूँ मैं आपको। ये अगर आप गिनोगे तो ये आपके 14 होंगे, अंदर भी 14 और बाहर भी 14, ठीक यस सर, ठीक है। है अब सर। इसमें क्या कि चेन रिवाइंडिंग होगी, यहाँ से यहाँ, 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 आगे आगे चलता जाएगा, जैसे चेन रिवाइंडिंग है, ठीक है। अब ठीक है सर। आपका स्टेटर साइज नापना। स्टेटर साइज तो हर एक पक्के का पहले हमें नाप सकते हैं, अगर कॉइल साइज हमने लेना हो तो। ये इसके अगर स्टैम्पिंग ज़्यादा उठी हो तो वो ठीक नहीं है। जहाँ से स्टैम्पिंग बिल्कुल सही है वहाँ से आप लो। 1.7 के बीच में है ये, 7 के आसपास, ठीक ठीक है। है सर, तो ठीक है सर। ये आपका, अब कोई कहता है इंच में लेना तो इंच में भी ले सकता है और इसे सेंटीमीटर में भी ले सकता है, जैसे उसकी इच्छा हो, यस सर। ठीक है। ये आपका स्टेटस साइज ना लेने का तरीका हो गया। उसके बाद फिर आपका आ गया स्लट। मैंने आपको बता दिए हैं कि 28 होते हैं इसके, ये 28 हैं, 14+14 इसकी कॉलें डलेंगी अंदर और बाहर, ठीक है। ठीक है सर। रनिंग डाटा इसका जो है उसमें तार डलेगी SWG। SWG का मतलब होता है स्टैंडर्ड वायर गेज, जी सर, ठीक है ठीक सर। है। तो SWG तो मैंने लिख दिया है, पर आपको मैं इसकी फुल फॉर्म बता रहा हूँ। जब भी हम तार लेने आते हैं तो ये इस पर लिखा होता है रील के ऊपर SWG 35, ये 35 नंबर है, ठीक है। और इसका कॉलें कितनी डलेंगी अंदर जो है वो 14, टर्ने जो है उसकी 325, ठीक है। ये ठीक भी 14 कॉलन डालेंगी, है सर। ठीक है, अंदर ही अंदर की साइड में जो इनर साइड है इसका। और स्टार्टिंग डाटा इसका है, इसकी में जो 14 कॉलें इसमें भी डलेंगी, जो डलेगी 12, ठीक है। और इसमें SWG 35 नंबर बता रहा है, टर्ने इसकी है 300। अब आप कोई पूछ इसके बारे में पूछना चाहते हैं? सर एक बात बताइए, ये आपने ऊपर रनिंग डाटा में 325 लिए हैं और स्टार्टिंग डाटा में 300 लिए हैं, तो ये फर्क क्यों? ये इस करके है कि क्योंकि रनिंग को हमने सप्लाई देनी है तो 25-30 टनों का फर्क डाला जाता है। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं डाल रहा। आप कोई भी अगर पंखा लेंगे तो उसकी अगर मोटर आपको सड़ी आएगी तो उसका आप काटोगे तो आपको 25-30 टनों का फर्क हो सकता है, तार का भी फर्क हो सकता है अंदर बाहर का। सर अगर हम टर्ने सेम डाल दें 300 300, ठीक तो पक्के की स्पीड नहीं बनेगा। स्पीड अगर बना जाए, अगर मान लो एक में रिवाइंडिंग में स्पीड नहीं बनी तो आप 300 में तो दे सकते हो, क्योंकि इसमें आपको एक बात बता देता हूँ कि रनिंग और स्टार्टिंग का कोई भी आप बना सकते हैं। पहले सर। आपने इसको 325 को सप्लाई दी, स्पीड आपकी नहीं बनी, आपने 300 को दे दी, स्पीड आपकी बन गई, ठीक यस सर, ठीक है सर। है। अगर आपने दोनों 325 डाल दी या 300 डाल दी तो स्पीड नहीं बनी, फिर दिक्कत आ जाएगी। सर अगर इसमें हम ज्यादा गैप रखें जैसे 50 या 60 का तो? नहीं, वो फिर तार के ऊपर डिपेंड करता है ना। अगर आपकी तार मोटी होगी तो आप ज्यादा कर सकते हो गैप, अगर आप 34 नंबर की तार है। वैसे आमतौर पे कंपनी के जो पक्खे आते हैं उसमें 35-36 की भी रिवाइंडिंग होती है और 34-35 की भी रिवाइंडिंग होती है। वैसे कंपनी के जो पक्खे होते हैं उसमें 36 और 35 की होती है यस ज्यादातर। सर, ठीक है सर। अंदर की टर्ने की जो तार है, जैसे रनिंग की है, वो 36 नंबर से है और ये 35 नंबर से है। पर वो टर्ने का कोई ऐसा कोई फार्मूला नहीं है थ्योरिकली कि हम कैसे लेंगे। अब हम निकाल सकते हैं खुद कि भाई हमने जो काटा पक्का उसकी टर्निंग ही नहीं, उसका कॉइल साइज लिया वो। पर आजकल मशीनी युग आ गया तो मशीन से हम रिवाइंड करते हैं, पर खुद काफी हद तक अगर हमें मशीन से नहीं, हमने करना चाहते तो हम खुद भी कर सकते हैं रिवाइंड, यस सर, यस सर, ठीक ठीक है जी। है ये सर। इसका 14+14 का है, ये इसका मतलब जो मैं आपको। और इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब हम इसको मैग्नेट चेक करेंगे तो इसका ना सब में मैग्नेट बनेगा, क्योंकि कॉइल यहाँ से यहाँ डलेगी तो यहाँ मैग्नेट भी बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। इसमें अगर एक भी कनेक्शन गलत हो जाए आपका तो फिर क्या होता है कि स्पीड पक्के की नहीं बनती, क्योंकि यस अगर आपने वो आपको कनेक्शन जब बताएंगे उसके बाद अगले पार्ट में, लास्ट पार्ट में कि भी कनेक्शन कैसे होते हैं, तो कनेक्शन मैग्नेट तो बन भी जाता है अगर आप रॉन्ग कनेक्शन भी कर देंगे तो, पर आपकी पक्के की स्पीड बहुत स्लो चलेगी। और सर, उसका एक मेन चीज़ है, उसका बल्ब भी ज़्यादा जलता है फिर,
ठीक है, ये तो स्टेटर है, ये तो खड़ा रहता है, इसके साइडों में रोटर है वो चलता है, ठीक है। मैंने पहले वाले वीडियो में बताया, अभी बताया तो आपको, डबल बॉल बैरिंग होता है इसमें, ऊपर बैरिंग होता है, नीचे भी बैरिंग होता है, और एक होता है सिंगल, ये सिंगल वाला है, इसमें बुश है नीचे, ये बुश वाले की जगह है, ये ऊपर बैरिंग है, इसमें 1802 डलता है, 1803, अलग अलग पक्के के हिसाब से, वैसे तो 1803 या 1802 ज्यादा चलता है, 1801 भी चलता है, ठीक है, ये पक्के का है। इसके अलावा और कोई आपने सवाल पूछना तो पूछ सकते हैं। ये सर 7+7, 14+7 और 14+14 में क्या अंतर है सर, क्यों, कौन सा अच्छा लगता है, कौन सा अच्छा है इसमें? 7+7 में तो ये है कि भी आपने यहाँ से यहाँ कॉइल डाली, फिर यहाँ से यहाँ डाली, यहाँ से यहाँ डाली, और अब बाहर और अंदर में डाली, तो सिर्फ आपके जहाँ पे आपने कॉइल डाली वहीं मैग्नेट बनेगा। उसमें आपको उसका नेगेटिव पॉइंट ये है कि भी जब आप उसकी सप्लाई भी कम हो जाएगी पीछे से इनपुट घर में, या 180 हो जाएगी, तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी। दूसरा नुकसान क्या है कि वो बिजली भी ज्यादा खाता है, ठीक है। कंपनी के पक्के जो है वो कम वोल्टेज में भी स्पीड फुल होती है उनकी, ठीक है। और मशीनी रिवाइंडिंग में ये जो टर्ने हैं हम देते हैं उसमें तो और भी कम देते हैं, और उसमें क्या है कि मैग्नेट कॉइल साइज ज्यादा बड़ा नहीं लेना चाहिए। कॉइल साइज बड़ा लेने से क्या होता है कि ऊपर से आपका जो रोटर घूम रहा है वो टच भी कर जाता है, और मोटर हाथ होने का खतरा होता है। और दूसरा इसमें है कि भी रनिंग और स्टार्टिंग के बीच में पेपर तो हम नहीं डालते, ये आपस में शॉर्ट ना हो जाए रनिंग और स्टार्टिंग। तो सबसे अच्छा जो है 14+14 का इस करके है, क्योंकि इसमें सब में मैग्नेट बनता है, ठीक है। अंदर वाली टर्नों में, अंदर में भी, चाहे अंदर को आप स्टार्टिंग बनाओ, चाहे बाहर वाले को रनिंग बनाओ, चाहे इसको रनिंग बनाओ, चाहे इसको स्टार्टिंग बनाओ, इसमें कोई सवाल नहीं है कि भी रनिंग किसको बना सकते हैं, रनिंग आप किसी को भी बना सकते हैं, आपकी जो भी इच्छा हो, पर डिपेंड करता है कि आपने टर्ने किसको कैसे दिए हैं। जो आपने डाटा पुराना आपने काटा है वही टर्ने डालोगे तो आपकी स्पीड उतनी अच्छी बनेगी। टर्ने आप लो, और उसका फिर उसके बाद तार जो है जब गेज से हम नापते हैं तो आपको उसको खींचना नहीं चाहिए, उसको थोड़ा सा जलाओ और उसके बाद उसको आप ले लो टर्ने, ठीक है, उतनी टर्ने ले लो। हाँ जी, जिसकी ज्यादा टर्ने होती है उसी को रनिंग माना गया। वैसे तो आमतौर पर हम ज्यादा टर्ने वालों को ही सप्लाई देते हैं, कम वाले को नहीं देते। अब अगर आप स्पीड आपकी नहीं बनी तो आप, हमने फिर इसको रनिंग बना लिया जबकि ये स्टार्टिंग है, ठीक है। इन दोनों में ये फर्क है, ठीक है जी। और कोई सवाल? ठीक है जी। प्लीज मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद।